मैडम जी, आपका ब्लैक सिटी बदायूं में हार्दिक स्वागत है। अब आप हमें इस फेंकू बुखार के बारे में जरा विस्तार से बताएं। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें इस काले शहर के लोग। और शहर आपका काला है ही, पता नहीं आप कैसा कैसा फेंकेंगे, काला फेंकेंगे, पीला फेंकेंगे, गॉड नोज क्या फेंकेंगे, मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, ये है कि मैं आपको बता तो सकती हूँ कि ये बुखार क्यों होता है। जी, ऐसा होता है कि इंसान के मन में तरह तरह की संभावनाएं, तरह तरह की चीज़ें वो दिमाग में ले के बैठता है और उसे ज़रूरत होती है सामने किसी व्यक्ति की, और जब वो सामने होता है तो वो फेंकता है, इधर फेंकता है, और लपेटने वाला कभी ऐसे लपेटता है, कभी ऐसे लपेटता है, लेकिन जब कोई सामने नहीं होता है वो फेंकता जाता है, उसके फेंकने का कोई फायदा नहीं होता, लपेटने वाला नहीं। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि वो फेंकता जाता है, बातें भी फेंकता है और सामान भी फेंकता है। जी, अब तो उसमें नुकसान ये भी है कि एक तो वो घर का सामान फेंक रहा है, दूसरी चीज़ उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा, तीसरा नुकसान ये है कि वो सामान किसी के खोपड़े पे लगे, किसी के थोबड़े पे लगे, पता नहीं कहाँ लगे, भगवान जाने। इसलिए आप सबसे काले शहर के लोगों से प्रार्थना है कि कृपया करके अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें खाइए, पपीते के छिलके जो होते हैं जी, उनको आप सबसे पहले जो हरा पपीता होता है उसको छिलका उतार दीजिए, उसके छिलके में थोड़ी सी नीम जी, नीम की पत्ती, और इसको मिक्सी में पीस लीजिए जी, और पीसने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च जी और गोमूत्र, ये मिला करके 4 दिन के लिए, गोमूत्र के साथ सोमूत्र भी मिलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। जी, सोमूत्र चिकित्सा भी हो गई। जी, सोमूत्र चिकित्सा ये तो जरूरी थी, क्योंकि भाई दूसरों का तो बहुत दिन पिया। जी, आप दूसरों को तो पिलाना चाहते हैं, खुद भी तो पी के देखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।